हे दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको वीरे ब्लेंड मटेरियल कैसे यूज़ करते हैं वो एकदम सिंपल तरीके से सिखाने वाला हूँ। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको वीरे ब्लेंड यूज़ करना एकदम इजी हो जाएगा। तो मैंने ये सीन वही लिया है जो कि मैंने मिक्स के लिए आपको दिखाया था। तो उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि मिक्स में क्या होता है ना कि जो आप रिफ्लेक्शन वगैरह देते हैं वो दोनों भी मटेरियल के लिए सेम होता है। तो ब्लेंड में आपको वो ऑप्शन मिलता है कि आप एक मटेरियल को ग्लॉसीनेस दे सकते हैं और दूसरे मटेरियल को मैट कर सकते हैं। तो वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा, बट स्टार्टिंग में मैं आपको एकदम बेसिक समझाऊंगा कि वीरे ब्लेंड मटेरियल कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये हमारी ग्रे वॉल है। अभी सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि मैं पहले तो दो मटेरियल बना लेता हूं। ये वीरे मटेरियल है, मैं आपको एक बेसिक तरीके से समझाने के लिए इसमें कलर का यूज करूंगा। तो एक मैंने ये रेड कलर लिया और ये दूसरा मैं ब्लू कलर लेता हूँ ताकि आपको समझने में काफ़ी इजी होगा। फ्रेम बफर भी ऑन करते हैं हम लोग साथ में। ओके, ये हो गया ऑन। यहाँ पे हम लोग वीरे ब्लेंड सिलेक्ट करते हैं। पुराना मटेरियल नहीं चाहिए तो डिस्कार्ड करते हैं इसको। ओके, तो वीरे ब्लेंड में क्या होता है ना, मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ कि यहाँ पे बेस मटेरियल होता है कि आपका जो मेन मटेरियल है वो आप यहाँ पे डालोगे और कोट मटेरियल कि जिसको आपको उसके अंदर डालना है यानी पैच फिटिंग करनी ना, वैसा एक होता है तो वो आपको पता चलेगा, बट मैं ऐसे आपको समझाता हूँ। और यहाँ पर आपको कौन से पैटर्न में ब्लेंड करना है वो रहता है। तो अभी बेसिक आपको समझाने के लिए मैं आपको ये मान लो कि आपका ये बेस मटेरियल है रेड, मैं यहाँ पे रेड को डाल देता हूँ तो रेड कलर आ गया। अभी आपका ये कोटिंग आपको चाहिए कि ब्लू कलर की, ये कोटिंग वगैरह ये क्या होता है वो आपको पता चलेगा मैं जैसे जैसे आपको समझाते जाऊँगा ना, वैसे आपको एकदम इजीली समझ में आएगा। तो अभी क्या हुआ ना कि ये कोटिंग आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे ग्रे कलर है, कोट मटेरियल डाला बट अभी मैंने पैटर्न डाला नहीं है, इसके लिए वो क्या हो गया कि पूरे वॉल के ऊपर जा रहा है, यानी जितना हमारा रेड है तो उतना ही ये ब्लू भी जा रहा है। तो इसके लिए दोनों भी कलर आपस में मिक्स हो गए, सो उसके वजह से ये एक पर्पल कलर बन गए। तो एक मैं आपको चीज़ बता दो, वो ध्यान में रखना कि ब्लैक एंड वाइट जो हम लोग बोलते ना, क्योंकि इसमें ब्लैक एंड वाइट कलर का इम्पैक्ट पड़ता है पैटर्न में, जो भी आप करते हो ना यहाँ पे, जो हम लोग पैटर्न मास्क यूज करते हैं ना, सो वो ब्लैक एंड वाइट टेक्सचर होता है। सो ब्लैक में आपका कौन सा मटेरियल हाईलाइट होगा, ये जो बेस मटेरियल है ना जो कि रेड है वो हाईलाइट होगा। यानी अभी देखो यहाँ पे ब्लेंड ये कलर है ना, ये अभी 50-50 है, तो मैं ब्लैक करूँगा तो आपको रेड दिखेगा। और वाइट में आपका कौन सा टेक्सचर हाईलाइट होगा, ये वाला जो कोट मटेरियल है, अभी मैं जैसे कि यहाँ पे वाइट करूँगा तो ब्लू दिख रहा है। तो ये एक है डिफरेंस। तो हमने जैसे कि हमने इसमें भी देखा था, मिक्स में भी देखा कि मिक्स में भी कैसे है कि ब्लैक और वाइट जो कोटिंग हम लोग टेक्सचर यूज करते हैं ना, तो ब्लैक एंड वाइट होता है। तो ब्लैक में तो आप कन्फ्यूज मत हो जाना, मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं ये कैंसिल करता हूँ। तो जब भी हम लोग यहाँ पे मैप यूज़ करेंगे ब्लैक एंड वाइट वाला, तो उसमें ध्यान देना आप कि जो ब्लैक वाला पार्ट होगा उसमें हमारा ये बेस मटेरियल हाईलाइट होगा और जो वाइट वाला पार्ट होगा उसमें हमारा ये कोटिंग वाला जो मटेरियल है वो हाईलाइट होगा। तो मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ तो आप कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। ओके,
हम लोग ये पैटर्न लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको इसको 90 करेंगे, यहाँ पे अलग से UVW डालते हैं और इसे हम लोग 2 2। ओके, ये आ गया। जैसे कि मैंने बताया था कि हमारा बेस मटेरियल ब्लैक मटेरियल ये वाइट ब्लू है, तो मैप आप देख रहे हो, ये देखो ये जो वाइट है ये ब्लू वाला है और ये ब्लैक ये। तो मैंने मिक्स के टाइम पे बताया था कि मिक्स में क्या होता है ना कि जो ग्लॉसनेस दोगे वो दोनों मटेरियल के लिए अप्लाई होता है। बट यहाँ पे अभी देखो मैं रेड वाला है, रेड को मैं ग्लॉस करता हूँ, तो ब्लू वाला जो है वो उसमें कुछ भी ग्लॉसिनेस नहीं है, रेड में सिर्फ ग्लॉसिनेस है। तो ब्लेंड में आपको ये एक ऑप्शन मिलता है कि आप ऐसे दो तीन मटेरियल आप मिक्स कर सकते हो। तो अभी के लिए तो मैं आपको दो ही मटेरियल दिखा रहा हूँ कि ये आपको समझने के लिए। तो मैं ब्लू को भी, तो ये भी हो जाएगा। तो ब्लेंड का ये मैंने आपको एक बेसिक पार्ट दिया आपको समझने के लिए। इसमें मैं आपको और भी एडवांस तरीके से सिखाऊंगा कि इसमें आप अलग अलग टेक्सचर लेके आप कैसे काम कर सकते हो। बट ये वीडियो एक बेसिक लेवल पे था कि आपको समझने के लिए। सो मैं क्विकली आपको एक ओवरव्यू कर देता हूँ कि यहाँ पे आपको दो मटेरियल ब्लेंड करने हैं। तो हमारा यहाँ पे मैप लगता है वो ब्लैक एंड वाइट मैप होता है। तो ब्लैक एंड व्हाइट में क्या होता है, ब्लैक वाले पार्ट में हमारा ये बेस मटेरियल होता है वो हाईलाइट होता है, और वाइट वाले पार्ट में हमारा ये कोटिंग वाला जो मटेरियल होता है वो हाईलाइट होता है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ये ब्लू वाला जो था वो हमारा कोटिंग मटेरियल था और रेड वाला जो था वो हमारा बेस मटेरियल। ओके, सो और अगले पार्ट में आपको इसमें एडवांस तरीके से आप कैसे मल्टीपल टेक्सचर यूज़ करोगे वो आपको पता चलेगा।